ये किरण कनौजिया हैं, जो हैं कहां से, फरीदाबाद हरियाणा से। 2011 में हैदराबाद में ये इंजीनियर थी, इनका बर्थडे था, तो ये बर्थडे पर हैदराबाद से आ रही थी अपने गांव फरीदाबाद। रास्ते में ट्रेन पर कुछ लुटेरे मिल गए, इनकी चेन छीनने लगे और इनको धक्का दे दिया और ये गिर गई ट्रेन की जो लाइन, रेलवे लाइन होती है उस पर गिर गई, रेलवे ट्रैक पर गिर गई। गिरने के बाद इनके ऊपर से एक ट्रेन निकल गई और माय डियर इनका पैर, इनका पैर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब लोग बताएंगे क्या हुआ, क्या हुआ, माय डियर इनका पैर कट गया। सोचिए कितना दर्द सहा होगा इस बच्ची ने, कितना दर्द सहा होगा इस लड़की ने, यार सोचिए जरा सा। अगर किसी इंसान का पैर कट जाए तो सोचता है कि ना बस जीवन में जो करना था कर लिया, पापा मम्मी एक बेड लाओ हमको दे दो, पूरी जिंदगी हमारी सेवा करो, आहा मजा आ जाएगा अपने को, पैर तो है नहीं भाई, वरना व्हील चेयर ले आओ, व्हील चेयर पे बैठ के मैं अपनी जिंदगी को काट लूंगा, आहा दर्द देखो। सला ये काट लूंगा नहीं है, ये तेरा कंफर्ट जोन है। लेकिन ये लड़की पागल थी, इसने कहा ना मुझे कंफर्ट जोन में तो रहना ही नहीं है। इंजीनियर थी, इंजीनियर आज भी है, पैसा आ रहा था लेकिन उसको उतना पैसा गंवारा नहीं था। इसने कहा मेरा पैर कटा है तो हो सकता है, वो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं जो हो गया अच्छी बात है और जो नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। तो माय डियर बात यहां पर इसने यही सोची कि अगर पैर कट गया तो और अच्छी बात है, अब मैं ब्लेड का पैर में लगाऊंगी। ब्लेड का पैर, माय डियर देखिए जरा सा किस तरह का पैर ये किरण कनौजिया का है। ब्लेड का पैर, आर्टिफिशियल ब्लेड का पैर किरण कनौजिया ने लगवाया और लगवाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि किरण अब तुम चलने लगी, वाह। किरण ने कहा डॉक्टर साहब मैंने पैर लगवाए चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए। और माय डियर दिल्ली में एक मैराथन हुआ और उस मैराथन के अंदर किरण कनौजिया ऐसा दौड़ी, ऐसा दौड़ी, ऐसा दौड़ी कि इंडिया की फर्स्ट ब्लेड रनर महिला और पदक विजेता बन गई। माय डियर सोचिए जरा सा। हम बात करते हैं माय डियर, जैसे इस लड़की ने अपने भाग्य को बदला, तो माय डियर आप भी तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यस और नो? आप भी तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यस और नो? माय डियर मैं फिर से पूछूंगा आपसे और आपको खड़े होकर जोश के साथ मेरी, मेरा सोचिए जरा सा, इतने टाइम से मैं बात कर रहा हूं लेकिन मेरा जोश कम नहीं हुआ तो आपको कैसे कम हो जाएगा डियर। माय डियर आपको पूरे जोश के साथ, पूरे खड़े होकर एकदम हिम्मत के साथ आपको बताना है कि यस मैं भी अपने भाग्य को बदल सकता हूं। मैं पूछूंगा कि क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, आप खड़े होंगे बोलेंगे यस, और आपके एटीट्यूड से डिपेंड करता है कि आपका भाग्य बदलेगा या नहीं बदलेगा। माय डियर 1 2 3 क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? सुपर्ब, एक बार लवली ऑडियंस, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए होनी चाहिए। ओहो लवली, जोरदार तालियां, ओहो क्या बात, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, जोरदार 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 होनी चाहिए, जोरदार